हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एल्गोरिथमिक नोटेशन की कि एल्गोरिथम क्या होता है और उसको जो है कैसे लिखा जाता है। फर्स्ट वी राइट एल्गोरिथमिक नोटेशन। अब देखिए, किसी भी एल्गोरिथम को लिखने में, जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो उसका टाइम और स्पेस का कंसिड्रेशन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट वी राइट हियर एज एल्गोरिथमिक नोटेशन। एल्गोरिथमिक नोटेशन, अब देखिए इसमें क्या होता है कि एन एल्गोरिथमिक इज ए फाइनाइट स्टेप बाय स्टेप लिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। यानी किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम स्टेप्स लेते हैं, उन स्टेप्स को हम एक लिस्ट की फॉर्म में स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ एन एल्गोरिथम which uses the notion of a Turing machine or its equivalent is very sophisticated। तो देखिए, एल्गोरिथम की जो फॉर्मल डेफिनेशन होती है, अगर हम एल्गोरिथम की फॉर्मल डेफिनेशन की बात करेंगे तो उसमें तो फिर नोशन आ जाएगा ट्यूरिंग मशीन का। ठीक है, और ट्यूरिंग मशीन क्या होती है, क्या उसके डिटेल में, ये अभी आपके सिलेबस के बियॉन्ड चीज़ है। जब आगे कभी फॉर्मल थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा लैंग्वेजेस या फॉर्मल लैंग्वेजेस पढ़ाएंगे, फॉर्मल मेथड्स, तो उसमें ट्यूरिंग मशीन वगैरह काफ़ी डिटेल में आएगी, तब इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी इसमें क्या करते हैं कि सबसे अच्छा तरीका क्या है कि डिस्क्राइब द फॉर्मेट ऑफ एन एल्गोरिथम थ्रू आउट द स्टेप बाई स्टेप लिस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं कि इसको एग्जाम्पल, इसको समझाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है, आप एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक, अब देखिए इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमारे पास एन एरे डाटा ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज इज इन मेमोरी, वी वांट टू फाइंड द लोकेशन LOC एंड द वैल्यू मैक्स ऑफ द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ डाटा। यानी हमारे पास क्या है, हमारे पास एक एरे है डाटा के नाम से, इसमें हमें क्या करना है, हमें जो लार्जेस्ट वैल्यू है, जो भी हमें लार्जेस्ट एलिमेंट है एरे में, उसका हमें लोकेशन LOC हमने एक वेरिएबल लिया, लोकेशन पता करना है और उसकी क्या लार्जेस्ट वैल्यू है वो हमें मैक्स में ले आना है, ये काम करना है हमें। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम एल्गोरिथम लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो से सपोज कीजिए हमने यहाँ से लिखना शुरू किया, से हमने कहा स्टेप वन। ठीक है, तो स्टेप वन में क्या होगा, हमने कहा से सपोज कीजिए सेट के इक्वल टू वन। अभी क्या क्या है, ये क्या है, सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। LOC इज इक्वल टू वन एंड मैक्स में हमने डाल दिया, मैक्स इज इक्वल टू, तो पहला एलिमेंट है डाटा वन। ठीक, पहला स्टेप तो ये हो गया। स्टेप टू जो हुआ एल्गोरिथम का, उसमें हम क्या करेंगे, सेट के इज इक्वल टू k इक्वल टू के प्लस वन कर देंगे। ठीक, फिर स्टेप थ्री में हम क्या करेंगे, स्टेप थ्री में हम कर देंगे इफ k इज ग्रेटर देन n तो क्या होगा, तो हम ये लिखेंगे राइट इफ k इज ग्रेटर देन n देन। ठीक है, यहां हम लिख देंगे राइट LOC कॉमा मैक्स और उसके बाद एंड एग्जिट कर जाएंगे। ठीक, और स्टेप फोर में क्या करेंगे, स्टेप फोर में इफ मैक्स इज लेस देन डाटा के, हम ये देखेंगे इफ मैक्स इज लेस देन डेटा के, डेटा एरे में जो kth वैल्यू जो एलिमेंट है, उसके बाद हम देन, तो हम क्या करेंगे, मैक्स अगर छोटा है तो फिर से हम सेट करेंगे सेट LOC इज इक्वल टू के एंड मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा
डेटा के, ठीक है। और इसके बाद स्टेप फाइव में हम क्या करेंगे, स्टेप फाइव में हम इसको प्रोसेस को गो टू स्टेप टू, गो टू स्टेप टू, ठीक है। तो इस तरह से इस एल्गोरिथम का डेवलपमेंट होगा। अब इसमें कौन सी चीज क्या है ये भी हम आपको बता देते हैं कि देखिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि इसमें देखिए के, इसमें क्या क्या चीजें के, ठीक है। तो अब इसमें कौन सी चीज क्या है ये हम आपको बता दे रहे हैं। के क्या है, के सिंपली एक पॉइंटर है, ठीक है। देखिए एक एरे है आपके पास, यानी लिस्ट ऑफ डेटा है, किस नाम से, डाटा के नाम से, ठीक। उसके बाद एलओसी क्या है, उसका लोकेशन हम मैक्सिमम एलिमेंट का लोकेशन एलओसी वेरिएबल में लाएंगे, मैक्सिमम वैल्यू की वैल्यू हम मैक्स में लाएंगे। और के क्या है, के सिंपली एक इंक्रीमेंट काउंटर है, एक काउंटर वेरिएबल है जिससे हम लूप को चलाएंगे। तो देखिए पहले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे आ जाइए फर्स्ट स्टेप में। स्टेप वन में सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले हम इसको इनिशलाइज कर रहे हैं। तो ये पहला स्टेप तो हो गया, इनिशलाइज कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, काउंटर को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंक्रीमेंट, ये लिखे लिखिएगा नहीं एल्गोरिथम, ये आपको समझाने के लिए लिख लें, इंक्रीमेंट काउंटर, काउंटर को हमने इंक्रीमेंट कर दिया। फिर उसके बाद इफ केस ग्रेटर देन, यानी स्टेप थ्री में हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं काउंटर को। तो हमने कहा लिख दिया टेस्ट काउंटर। फिर स्टेप फोर में हम क्या कर रहे हैं कि कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर एंड अपडेट कर रहे हैं कि के में जो वैल्यू है डाटा के में वो मैक्सिम बड़ी है, मैक्सिमम है कि नहीं, नहीं है तो उसके चेंज कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे गो टू स्टेप टू, मतलब हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, तो रिपीट लूप। तो इस तरह से इस एल्गोरिथम को आप डेवलप कर सकते हैं। अब इसमें देखिए इस फॉर्मेट में एक चीज क्लियर है कि इस एल्गोरिथम में, एल्गोरिथम के दो पार्ट है, ठीक है। द फर्स्ट पार्ट इज ए पैराग्राफ विच टेल्स द पर्पस ऑफ द एल्गोरिथम। तो ये जो हमने लिखा है इसको पूरा थ्योरी में लिख देते हैं कि ये फर्स्ट पार्ट जो है ये क्या है, ये एल्गोरिथम को डेवलप करने का ऑब्जेक्टिव बता रहा है, पर्पस बता रहा है, ठीक। आइडेंटिफाइज द वेरिएबल, वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर रहा है, विच अकर इन द एल्गोरिथम एंड लिस्ट द इनपुट डाटा। यानी जो पहला पार्ट है इसमें ऑब्जेक्टिव बताता है कि एल्गोरिथम को क्यों डेवलप करना है, जो वेरिएबल्स हैं उनको बताते हैं हम, और लास्टली हम इसमें ये बताते हैं कि जो इनपुट डाटा है वो हम बता देते हैं। तो ये तो हो गया एल्गोरिथम का फर्स्ट पार्ट, दिस फर्स्ट पार्ट, ठीक। और जो सेकेंड पार्ट है, द सेकेंड पार्ट ऑफ द एल्गोरिथम कंसिस्ट ऑफ द लिस्ट ऑफ स्टेप्स दैट इज टू बी एग्जीक्यूटेड। ये पूरा जो है आपका, ये जो हमने स्टेप वन से स्टेप फाइव तक लिखा है, ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट ऑफ द एल्गोरिथम, जिसमें जो भी स्टेप्स एग्जीक्यूट होने हैं वो होते हैं। और पहले पहले पार्ट में क्या होता है, एल्गोरिथम का ऑब्जेक्टिव क्यों बनाया जा रहा है, कौन कौन से वेरिएबल यूज होने हैं और क्या इनपुट डाटा है, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी एल्गोरिथम का डेवलपमेंट किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो हम लोगों ने सर्टेन कन्वेंशन यूज किए हैं इस एल्गोरिथम में, उसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। उसके पहले हम इसको आपका फ्लो चार्ट बनाते हैं कि ये जो हमने एल्गोरिथम बनाई है इसी को अगर आप फ्लो चार्ट से समझेंगे तो देखिए आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर इसका फ्लो चार्ट बनाना चाहे तो मान लीजिए हमने कहा कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये हमने लिखा स्टार्ट, यहाँ हमने लिख दिया स्टार्ट। क्योंकि किसी भी प्रोग्राम को आप बनाएंगे या एल्गोरिथम बनाएंगे अगर आप फ्लो चार्ट से उससे समझ लेंगे, उससे क्या रहेगा कि आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद डेवलप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें ये करना है कि जो भी वेरिएबल्स वगैरह हैं उनको इनिशियलाइज कर दीजिए। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा के को इनिशियलाइज कर दिया वन, एलओसी को इनिशियलाइज कर दिया वन, और मैक्स को, मैक्स में हमने पहली डाटा वैल्यू डाल दी, डाटा
वन, ये हो गया। अब इसके बाद हमने क्या किया, हम चले आगे, हमने किया k इज इक्वल टू के प्लस वन, k को इंक्रीमेंट किया, k इक्वल टू हमने कर दिया k प्लस वन, इंक्रीमेंट कर दिया। अब उसके बाद हम चेक करेंगे कि k की वैल्यू n से बड़ी है कि छोटी है, तो यहाँ पे टेस्ट कंडीशन डालेंगे। तो यहाँ पे हमने ये टेस्ट किया, इज के इज ग्रेटर देन एन, अगर एन से बड़ा है तो यस करेंगे, तो क्या होगा कि अगर पूरी लिस्ट कवर हो चुकी है, के बड़ा हो गया है इससे, तो यस करके जो भी रिजल्ट आया है हमारा, मतलब हम राइट कर देंगे एलओसी, राइट एलओसी और मैक्स, इन दोनों को प्रिंट करके और हम अपना प्रोग्राम बंद कर देंगे। यानी ये हो जाएगा यहाँ पे स्टॉप, ठीक। और अगर नो है, मतलब अभी पूरी लिस्ट नहीं सर्च हुई है, हमने कहा नो, तो क्या होगा, फिर से करना पड़ेगा। तो नो करने पे फिर हम ये चेक करेंगे कि जो मैक्स है, जो डाटा के में वैल्यू है, वो मैक्स से बड़ी है कि छोटी है। तो हम यहाँ ये चेक करेंगे, इज मैक्स इज लेस देन डेटा के, ठीक। अगर यस होगा, अगर मैक्स बड़ा होगा तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं, अगर यस होगा तो हम क्या करेंगे, फिर हम एलओसी में के की वैल्यू डाल देंगे। तो यहां हम लिखेंगे एलओसी में हमने क्या डाल दिया, के, और डाटा के को मैक्स में डाल दिया, और मैक्स में हमने डाल दिया डाटा के, ठीक। और यहां पे इसको फिर से हमने यहां से लूप चला देंगे, तो के इज इक्वल टू के प्लस वन पे, तो यहां से आप लेके आइए, ऐसे लेके आए, ऐसे लेके आए, और दोबारा से यहां पे, और देखिए इज मैक्स इज ग्रेटर लेस देन डाटा के, अगर यस है तो आपको ये काम करना है, और नो है तो फिर यहीं पे आपको फिर से लूप चला देना, तो इसको यहाँ ऐड कर दीजिए। तो ये फ्लो चार्ट हो गया उस प्रॉब्लम का, जिसमें कोई लिस्ट ऑफ हमें एलिमेंट्स दिया हुआ है, एरे एरे में स्टोर है वो, डाटा के डाटा नाम की एरे है, उसमें हमको लार्जेस्ट एलिमेंट की लोकेशन, मतलब कौन सा एलिमेंट लार्जेस्ट है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कौन सा, और उसकी क्या लार्जेस्ट एलिमेंट की वैल्यू कितनी है, वो हमको लोकेशन एलओसी में प्रिंट कराना है और वैल्यू मैक्स में प्रिंट करानी है। तो इस तरह से आप एल्गोरिथम बनाएंगे और उसको फ्लो चार्ट से क्लियर कर लेंगे, तो आपको कोई चीज़ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो सर्टेन कन्वेंशन हम यूज़ करते हैं एल्गोरिथम में, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज करेंगे तो वीडियो लेक्चर लेंदी हो जाएगा, फिर आप कन्फ्यूज भी हो जाएंगे। इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा, इसी एग्जाम्पल को लेके हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो सर्टेन कन्वेंशन यूज किया जाता है जनरली, उसके हर एक स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू।